ऊपर, और अभी साफ करवा रहे हैं, यही सब है। और ऊपर में एक कुर्ती सब लिए हैं, और यहाँ का व्यू दिखाते हैं कितना प्यारा सा। मैं नया पहली बार गया था माल लाने, तो मैं किसी के सहारे में, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था नया में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, स्वागत है फिर से और वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के लगभग 7:15 रहा है, 7:30 होने वाला है, 7:25 रहा है। तो आज का मौसम देख सकते हैं, बादल लगा हुआ है। कल परसों भी ऐसा ही था, धूप नहीं उग रहा है। कल तो थोड़ा बूनी भी, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था कल परसों, लेकिन आज बारिश नहीं हो रहा है, सिर्फ ठंडा मौसम है, हवा चल रहा है और सुहाना मौसम है। और देख सकते हैं इस तरह का व्यू है इधर का, इधर गाँव है और इधर सरे है खेती बाड़ी। तो अभी मैं चलता हूँ, 7:30 होने वाला है, तो माल सरिया लेते हैं अभी। जो जो माल कमी है, कल बिक्री हुआ था तो कुछ माल सब मतलब ख़त्म हो गया है, तो ये सब है, ये बिखरा हुआ है, तो सबको अच्छे से सरिया लेते हैं। और गमछा भी देख सकते हैं साइड में, ये भी इधर उधर हो गया है, तो इस सबको भी सरिया लेते हैं और सरिया के। और अभी 9 बजे के आसपास से चलेंगे फेरी में, तो चलिए फिलहाल माल को सरिया के फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी माल को सरिया लिया हूँ पूरा, और देख सकते हैं गमछा वमछा अच्छा से, खूब अच्छा से सरिया लिया, और जो जो माल कमी था वो सबको और ऐड करके और गिनती करके रख लिया हूँ। और दोस्तों झोला में का भी हो गया, इधर देख सकते हैं ये भी हो गया सारा। और मौसम भी देखिए इस तरह का है। तो अभी चलते हैं स्नान करने, और कृष्णा है मेरे साथ में। कृष्णा हाय बोलो, हाय हाय कहो कहो, हाय हेलो, एक खाली बोलता है गोदी रखने के लिए। तो चलते हैं अभी स्नान करने। तो अभी हो गया है लगभग 12:15, और आज मैं फ्री पर नहीं आया हूँ, और कृष्णा जो है ना चाबी रख लिया था दूसरी जगह, घूमते घूमते जो है ना 1.5 घंटा से 1.5 घंटा समय उसी में लग गया। तो 11 बजे के आसपास मिला है चाबी, उसके बाद अभी नहाया, खाना खा होगा तो, और अभी जा रहा हूँ माल लाने। सीतामढ़ी थोड़ा सा मेल खत्म हो गया है तो। और दोस्तों आज का मौसम देख सकते हैं इस तरह का है, बारिश नहीं हो रहा है लेकिन छाँव है, बादल लगा हुआ है। तो चलिए फिर आज चलते हैं सीतामढ़ी। दोस्तों आज चल रहा हूँ इस साइड से, सरे वाला रास्ता से, क्योंकि बहुत दिनों बाद ही सर से जा रहा हूँ, देखता हूँ पानी है कि नहीं है। ये फिलहाल चलते हैं दोस्तों, दूसरे रास्ते से चलते हैं, इधर से पानी है तो ये साइड से नहीं जाएगा, क्योंकि तो आरी है, तारी पतला है, आगे जो है टर्निंग ज़्यादा है तो दिक्कत होगा, इसलिए है तो खाली, लेकिन फिर भी वो दूसरे वाले रास्ता से जाते हैं। मैं सोचा कि सूख गया होगा, बारिश नहीं होता, लेकिन पानी पटाया हुआ है ना धान में, उसका पानी है। चलिए फिलहाल अभी चलते हैं दूसरे रास्ते से। इधर से जाते हैं, मैं ले लिया हूँ 160 रुपये पेट्रोल, चलते हैं, टाइम भी लगभग 1 बजने वाला होगा। दोस्तों फाइनली अभी आ गया हूँ दुकान में, और जो जो माल लेना है वो सब छाँट लेते हैं। और अभी लगभग कितना 1:30 बज रहा है, थोड़ा सा रास्ता में रुक गया हूँ, लेट हो गया है। तो देख सकते हैं अभी इस समय का भी, वही समय अभी थोड़ा धूप आ गया है, लगभग 3 दिन बाद जो है ना धूप आया है। तो चलिए जो जो लेना है वो सब ले लेते हैं, प्लाजो उलाजो सब लेना है, और टी शर्ट वर्ट सब लेना है, और कुर्ती लेगी, यही सब लेना है, तो ले लेते हैं पहले यहाँ से जो जो लेना है वो सब पहले छाँट लेते हैं। दोस्तों अभी माल छाट के ले आया हो ऊपर, और अभी साफ करवा रहे हैं, यही सब है। और ऊपर में एक कुर्ती सब लिए हैं, कुर्ती और ये वाला लहंगी सब, और यहाँ के प्लाजो सब, हिसाब करवा वाले थे उसके बाद चलते हैं। दोस्तों हिसाब सब हो गया, और देख सकते हैं इसी में आ गया है माल लगभग 5,500 के आसपास में, 5,500। तो चलते हैं, गाड़ी हमारा उधर लगा हुआ है, तो गाड़ी पे लोड कर लेते हैं, उसके बाद निकल रहे हैं। चलिए पहले दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज रोड है, तो यहाँ पे गमछा लिया हूँ, वहाँ पे गमछा नहीं लिया है, तो गमछा यहाँ पे लिया है, तो बांध लेते हैं। दोस्तों अभी टाउन से निकल चुका हूँ, और एक और बात बताना चाहते हैं आप लोगों से कि मैं जब से फ्री कर रहा हूँ, ये वाला खत्म हो रहा है, तो सारा माल जो है ना एक ही दुकान से लाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जितना भी दुकान है
और जो रेट लगाता है उससे इसी रेट पर ये लगाता है सारे माल को। कभी कभी तो ये भाई देते हैं जिसमें से मैं माल लगता हूँ वो रेट देता है, और मार्केट में जाता हूँ कस्टर में तो यहाँ से जो है ना 1-2 रुपया ज़्यादा ही रहता है, इसलिए शुरू से ही इसी में से लाता हूँ। और भाई ये भाई जो है ना ईमानदारी से पैसा लेते हैं ज़्यादा, मतलब है ना पैसा नहीं लेते हैं, और जो कार्य में इसमें माल तो मिलता ही है, और साथ ही साथ इसमें मुझे विश्वास जम गया है ऐसे कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि शुरू से ही जब मैं नया पहली बार गया था माल लाने तो मैं किसी के सहारे में मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था नया में, तो भाई को मैं सिर्फ जाके पैसा दे दिया कि मुझे इतना का माल दो और जो चालू माल है जो ज़्यादा बिकता है वो माल से दे दो, उसी हिसाब से सारा माल मुझे दे दिया था। और उसी समय से जो है ना ज़्यादा रेट भी नहीं लगाया था, जो रेट मार्केट में चलता है वही रेट लगाया था, इसीलिए उस समय से जो है ना बात जम गया, तो उसी में से माल लगता हूँ। लगभग 3 साल से सही करता हूँ, 3 साल से जो है ना उसी में से माल लगता हूँ, जैसे कहीं कहीं से नहीं लगता, सिर्फ गमछा है तो जो मैं ये वाला गमछा देता हूँ तो ये वाला गमछा उसमें नहीं रखा रखता है, तो वही माल जो है ना दूसरे में से लगता है, तो ये वाला रखता है अगर तो ये भी उसी में से लाता है, वो वाला जो है ना फेट वाला खाई रखता है इसलिए दूसरे में से लाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं घर और अगला चौक पर थोड़ा नाश्ता करेंगे। दोस्तों अभी इहरवा में पहुँचने वाला हूँ और यहाँ का व्यू दिखाते हैं कितना प्यारा सा है, ऐसे बैक साइड में दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से दिखाते हैं, फ्रंट कैमरा से दिख ही रहे हैं, बैक कैमरा से आप लोग दिखाते हैं किस तरह का व्यू है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे लोकेशन तो आके वीडियो शूट कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सीन है यहाँ पे, अक्सर बहुत सारे लोगों को देखता रहता हूँ कि फोटो खींचता रहता है वीडियो बनाता रहता है शॉर्ट वीडियो फुल वीडियो, तो लोकेशन बहुत ही मस्त है। और आप लोगों को कैसा लगा ये लोकेशन कमेंट जरूर करिए। चलिए फिलहाल अभी पहुँचते हैं तो ये वाला लोकेशन जो है ना सीतामढ़ी से बसंतपट्टीपुर नैया वाला रोड में ये पड़ता है। तो पिछला चौक पे जो है ना नाश्ता किया हूँ और अभी लगभग 5 बजने वाला है, और रुकते रुकते गया हूँ वहाँ भी हिसाब करने के बाद में दुकान में थोड़ा समय बैठा हूँ लगभग 1 घंटा के आसपास, इस वजह से जो है ना लेट हो गया है। तो अभी फिलहाल चलते हैं घर, पहुँचने वाले हैं, और उसको खर्चा 200 रुपया हो गया, 210 रुपया क्योंकि 160 रुपया पेट्रोल और 50 रुपया नाश्ता किया है, 30 रुपया ज़्यादा खर्चा हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, और 6000 का माल है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं घर, और दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि दोस्तों अब घर पहुँचने ही वाला हूँ, बस यहाँ से 10-15 मिनट लगेगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, आप सभी लोग खुश रहे और अपने जीवन में व्यस्त रहे, कर सकते।